मैं मान रहा हूँ पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है मोदी मई का, वही माहौल बिहार और पूरे पश्चिम में भी है। कहीं कोई टक्कर नहीं है, लोग अपना जमानत भी बचा ले तो बहुत ही विषय होगा। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नेतृत्व है। और भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी सही है, नियत भी सही है, और हमारे पास सशक्त नेतृत्व भी है। तो आज पूरे देश में इस पर चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारे सामने जो खड़ा विपक्ष है, वो विपक्ष अपने ही अंदरूनी लड़ाई को लड़ते हुए समाप्त हो जाएगा और पूरे देश में फिर से नरेंद्र मोदी के रूप में एक देश को प्रधान सेवक मिलेगा, जो देश की सेवा 10 साल से जिस भाव से किया है, इस विकास की पटरी पर इस देश को लाया है, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति के संकल्प लेके काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो संकल्प और आगे बढ़ेगा और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से गुजर रहे हैं। क्या लगता है इस बार 400 पार के जो नारे लगाए जा रहे हैं कहां तक कारगर होंगे? देखिए, आज मैं ये नारे तो हम लोग कहते हैं, जनता के बीच में से ये नारा निकल गया। प्रधानमंत्री जी का रोड शो था पटना में, लोगों के मुंह पे जुबान पे था कि जय श्री राम 400 पार। तो मुझे लगता है मोदी को जनता ने ये नारा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो दिख रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार जो हम लोगों की अपेक्षा है, निश्चित रूप से 400 से ऊपर की संख्या नजर आई। नितिन जी, आज एक काय समाज के बैठक सम्मेलन पहुंचे हुए, लेकिन देखा जा रहा है छपरा की अगर बात करें, जो कायस्थ जो होते थे वो भाजपा के साथ रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कायस्थ भी टूटते नजर आ रहे हैं। दो सभाएं हो रही हैं, एक अन्य पक्ष के रूप में समर्थन करें, तो क्या लग रहा है इस बार कायस्थ टूट रहे हैं क्या? कहीं कोई काय समाज देश हित में निर्णय करता है, राष्ट्र हित में निर्णय करता है, वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाने वाला, जिन्होंने केवल अपने लिए संपत्ति अर्जित की, जिन्होंने अपने लिए मॉल बनाए। कायस्थ समाज पूरी तरह से देश के हित में निर्णय करने वाला समाज है और उसको मालूम है, सुनेगा भले किसी का भी, लेकिन करेगा वो अपने मन का। और निश्चिंत रहिए, कमल का बटन दबेगा, कायस्थ समाज का एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा, देश के राष्ट्र नायक। छपरा से लगातार आपका काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव है, छपरा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? छपरा से जुड़ाव भी, और मैं तो छपरा के लोगों से यही अपील करूँगा, एक ऐसा मजबूत सांसद जिन्होंने 10 वर्षों से क्षेत्र की सेवा की है, 33,000 करोड़ की योजनाओं से इस राज्य के क्षेत्र का विकास किया है, उनको फिर से आशीर्वाद मिले ताकि फिर से वो एक सेवक के रूप में क्षेत्र की सेवा करें। धन्यवाद।